सबसे पहले तो दामोदर सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद। आपके मतलब आई विश कि आप 100 ईयर्स का भी बर्थडे विश सेलिब्रेट करें तो हम सब आपके साथ हो और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे मधुर गाने, मेलोडियस गाने, आइटम सॉन्ग्स गाइए, मतलब बनाएं, अच्छे संगीत बनाएं और हमें याद करते रहें सर। जस्ट अभी माता रानी के ऊपर दामोदर सर एक भजन बनाए थे और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। सर आपको याद है देवरू? हाँ, देवरी सॉन्ग आपको याद है? ज्यादा सुना ही दीजिए। इट्स वेरी ऑसम सॉन्ग और इसका इसकी म्यूजिक किए हैं दामोदर सर और गाई हूँ मैं, आप लोगों को सुना ही देती हूँ। सुना देवरो हमें खातिर कारा तमा संग जयती जे रहती घरे मोर बला कुछ सूझे न हमके नादानी में देवरो देवरो चला चला न थावे के मेला में देवरो देवरो चला चला ना थावे के मेला में देवरू। और आई विश माता रानी आपकी आपको दीर्घायु करें, बहुत अच्छी जीवन दे और आप एकदम म्यूजिक डायरेक्टर्स में आपका नंबर वन स्थान हो। क्या बात है, थैंक यू। दामोदर जी के बारे में फिल्म के बारे में नमस्कार। दामोदर जी को पहले मैं जन्म के ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। दामोदर जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे बहुत बहुत मित्र भी हैं और अभी थोड़े दिन पहले हमारी बात हुई इनसे कि मूवी करने जा रहे हैं पिकनिक मस्ती, तो बोला डायरेक्शन आपको करना है। चलो खुशी की बात है, मेरी एक पहले फिल्म आ चुकी है, अपनी अपनी फिल्म रिलीज हो गई है और मैं पहले में बेसिकली देवानंद जी के साथ था, देवानंद जी का असिस्टेंट हूँ और अभी मेरी फिल्म जा रही फ्लोर पर मजहब में प्रेम था, देन ये हमारी पिकनिक मस्ती है। तो नाम टाइटल आपने जैसे देखा है पिकनिक मस्ती, चार लड़कों की स्टोरी है और वो लोग अच्छे मित्र होते हैं, एकदम फनी मूड में होते हैं, लेकिन जब लोग जाते हैं मस्ती मतलब पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं एक हॉल में मतलब एक अच्छे लॉज में जाकर रुकते हैं, वहाँ कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं और वो कहानी पर बुरा ट्विस्ट करती है, वहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आता कहानी में। तो कब तक रिलीज हो गया? नेक्स्ट ईयर आएगी रिलीजिंग, तो नेक्स्ट ईयर होगी। शूट के लिए तो हम लोग इधर लोनावाला जा सकते हैं, लोनावाला में एक लोकेशन है, बाकी तो मुंबई के आसपास में है, हमारा वज्रेश्वरी है, मुंबई मड में है और बाकी लोनावाला है।